क्रॉस टीवी देखने वाले सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार, आदाब, सस्यकाल और अपनी बोली में राम राम कहूं। और आप देख रहे हैं डंडा हिला के हंसी ठिटोली। कोई जहां चलेंगी आज ठाई लाफ्टर की गोली। जी हाँ भाई, मैं बताऊं कि मेरा जो नाम है वो क्या है भाई। मेरा जो नाम है माखन सिंह झंडेगाड़। भाई आप सोचेंगे कि मेरा नाम माखन सिंह झंडेगाड़ के कैसे। भाई बात यू है कि दिल्ली में झंडे वाली फेमस है माँ, और भाई हरियाणा में पुलिस झंडे वाला जो आपके सामने आप सभी का स्वागत करे है। भाई सब कहे हैं कि जो पुलिस है वो अच्छी नहीं होती, पुलिस परेशान करती है, पुलिस मेहनत नहीं करती, डंडा दिखा के पैसे कमाती। एक बात बताओ, क्या हमारे डंडे में कोई पेड़ लगा हुआ है कि डंडा दिखाया पैसे आगे। भाई मैं बताऊं कि पुलिस वाले जो हुए हैं बहुत मेहनत करे बहुत, लेकिन कोई समझे ही ना। भाई मेहनत कौन समझेगा। जैसे कहते हैं कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सके है भाई, तो पुलिस वाले का भी दर्द भाई एक पुलिस वाला ही समझ सके है डंडा दिखा के। भाई हम इतनी मेहनत करते हैं भाई, देखिए पूरे दिन चौराहे पे खड़े रहते हैं, जब देखते हैं कोई आ जाए बगैर हेलमेट का कोई नहीं आता। तो बड़ा दिल परेशान होता है बहुत। ओ भाई जब कोई बगैर हेलमेट के आ रहा होता है तो थोड़ी सी जान में जान आ रही होती है, जान क्या पूरी जान आ रही होती है। और भाई जब हेलमेट के बगैर आता है कोई और अगर 100 का नोट दिखावे है या हरी पत्ती, तो भाई दिल में चैन सा पड़े है। अब एक बार की बात है, कहते हैं कि भाई पुलिस वाला हादसा के बाद क्यों पहुंचता है, लड़ाई के बाद पुलिस वाले क्यों पहुंचते। मैंने कही एक बात बता, अगर लड़ाई से पहले पुलिस वाले पहुंच जाएंगे तो क्या लड़ाई होगी। और मान लो अगर लड़ाई से पहले पुलिस वाले पहुंच भी जाते तो क्या वो गुंडे वहां पे आएंगे। अरे गुंडे की तो छोड़ो भाई, हम क्यों जाएं लड़ाई में, हम मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई पुलिस वाले की एक बात मैं और बता दूं, पुलिस वाले कभी बार्गिंग नहीं करते, कभी औरतों की रे चींची मिमी नहीं करते भाई कम कर ले रेट ज्यादा कर ले। हम तो ऐसे होते हैं कोई कुछ भी डाल दीजिए हम रख लेते। और मैं तुम्हें बता दूं कि कैसे होते हैं भाई, मैं इतना सीधा हूँ वो तो आप देख ही रहे होंगे शरीर से, इतना सीधा कि परसों मैंने एक डाकू पकड़ा और डाकू क्या पकड़ लिया, मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा भाई जा डंडा दिखा के। और छोड़ा भी क्यों पूछिए। भाई छोड़ा ऐसे कि जब मैंने उसे पकड़ा तो मैंने देखा भाई मेरी गन तो घर रह गई है, बाकी गन वाके हाथ में है। मैंने कहा भाई इस बार तू चला जा, अभी मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, ड्यूटी पे होऊंगा तब तेरे को पकड़ूंगा। पुलिस वाले को सभी परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं पुलिस वाले। रिक्शे वाला तो परेशान करता है, वकील तो परेशान करता है, कई बार तो आम इंसान भी परेशान करता है। अब एक बार की बात है, एक बंदा मुझे मिला और आके मुझे परेशान करने लग गया। मैंने कही भाई क्या हो गया। बंदा बोला हमको नहीं पता, हम रिपोर्ट लिखाने वाले हैं कि बहुत भारत सरकार हमको बेवकूफ बना रही है, हमको लूट रही है, हमको अंधाधुंध हमको बेवकूफ बना रही है। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्या बात होगी। बात कुछ नहीं भाई, हम कहा बताएं, हम उठा के पटक देंगे, डंडा वंडा मत दिखाओ तुम हमको, हमारे पास लाठी है। मैंने कहा भाई डंडा नहीं दिखा रहा, ये बता बात क्या हुई है। बात क्या बताऊं, भारत सरकार ने हम परसों वोट देने गए, वहां लिखा हुआ था कि 18 साल की उम्र में वोट देना और शादी 21 साल में, इतना डिस्टेंस क्यों। मैंने कहा भाई बात तुझे पता नहीं है, तू अभी बच्चा है, तेरे को पता होनी चाहिए कि भाई भारत चलाना यानी देश चलाना कितनी आसान बात है, और बीबी चलाना
कितनी मुश्किल बात। भाई ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें। भाई बीबी की बात से मुझे भी कुछ बातें बतानी है, डंडा दिखा के। भाई बीबी की बात यह है कि भाई मेरी भी बहुत अच्छी बीबी है, डंडा दिखा के। और बीबी की बात बताऊं तो मेरी बीबी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि भाई मुझे पलंग तोड़ प्यार करे। पलंग तोड़ने का मतलब गलत मत समझना, थोड़ी ज्यादा मोटी है, जैसे ही पलंग पे चढ़ती है पलंग खुद टूट। लेकिन प्यार बहुत करती है, इतना प्यार करती है डंडा दिखा के कि जब तक मैं घर नहीं जाता खाना नहीं खाती। भाई क्यों? कि जब मैं घर जाता हूँ बनाता हूँ तो खाती है। भाई बात यू भी है कि एक बार में गर्म पानी ले आती है क्योंकि मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं मांजता। ये भाई पुलिस की बात। अब कल की बात है, मैं तुम्हें बता दूं, डंडा दिखा के हमारी गली की रामलाल की बीबी भाग रही थी। मैंने रोका, मैंने कहा क्यों भाग रही है और पता क्या हो गया? कहने लगी मैं मरने जा रही हूँ, ज्यादा रुलाओ मत, मैं मरने जा रही हूँ। अरे मैंने कहा भाई बता तो दे क्या हो गया, क्यों भाग रही है? रामलाल ने दुखी किया है कि? लेकिन रामलाल दुखी कैसे करेगा, शादी के बाद तो तेरे से बड़ा दुखी है। बताओ, कहने लगी मैं रामलाल से दुखी नहीं हूँ, मैं मरने जा रही हूँ। मैंने कहा ये बता, तू मरने तो जा रही है लेकिन तूने तो मेकअप तो बड़ा तगड़ा पोत रखा है, साड़ी बड़ी नई पहन रखी है, ये कौन से मरने का नया स्टाइल? कहने लगी पुलिस वाले तुम्हें पता नहीं है, तुम बदतमीज हो, तुम्हें नहीं पता कल मेरे अखबार में फोटो जो आ रही है। ऐसी ऐसी औरतें भी। भाई मेरी बीबी ने एक दिन सवाल किया कि भाई ये बताओ अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा भगवान ऐसा ना बोल, ऐसा ना बोल, डंडा दिखा के मैं पागल हो जाऊंगा। दोबारा बोली सच में तुम पागल हो जाओगे मेरे लिए? मुझे बिलीव नहीं होता। मैंने कहा पागल, बहुत बड़ा पागल हो जाऊंगा मैं, वैसा मत बोले कर। दोबारा बोली अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे, शादी नहीं करोगे? मैंने कहा अरे पागल तो कुछ भी कर सके है। बीबियां जो होती है ना, कुछ भी कहो, बहुत डेंजरस चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। एक बार इनके लपेटे में जो आ जाए ना तो जैसे भाई जैसे फिर लपेटा ही लपेटा जाए सीधी। भाई बीबी उसे कहते हैं जो पति पे तनी उसे कहें पत्नी। और पति, पति तो जिसकी मत मारी हो उसे कहें हैं पत्नी। तो भाई आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं हंसी ठिठोली। भाई एक बार की बात है, एक मद्रासी आके मेरे को छेड़ता है। मैं बैठा आराम से डुट्टी दे रहा, चाय पी रहा, आते एकदम कहता है, आते आते बोला मेरे को कंप्लेन लिखानी है शाहरुख खान के खिलाफ। मैंने कहा भाई शाहरुख खान के खिलाफ तू क्या कंप्लेन लिखवाएगा, क्या हो गया? कुछ हुआ नहीं है, डंडा नीचे करो, कुछ नहीं हुआ। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को शाहरुख खान जहां मिलेगा मैं उसको डांटूंगा। मैंने कहा तू शाहरुख खान को डांटेगा है? शाहरुख खान को डांटेगा, चल बाहर जा। हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर की बात मत करो, हमको शाहरुख खान के खिलाफ रबड़ लिखानी है, हम बाहर नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्या बात होगी बता तो दे। कहने लगा कि भाई हमको ना बहुत डांस आता है, हमको इतना डांस आता है, इतना डांस आता है कि हम डांस नहीं कर पाते हैं, हमको बहुत शाहरुख खान से गुस्सा है। मैंने कहा क्या गुस्सा है भाई, क्या गुस्सा हो गया? कहने लगा कि शाहरुख खान का गाना है लुंगी डांस। तो मैंने कहा क्या बुराई है, लुंगी डांस कितना अच्छा सॉन्ग है, कितना अच्छा गाना है, डांस करने का मन खुद करे है। कहने लगा इसमें हमें 2 साल लाइनों से बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, DID में सिलेक्ट होते होते हमको मार के भगाया है बाहर उन्होंने। किस लिए? कहने लगा कि उसमें ये बोला है कि आ जाओ सारे मोड बना के। मैंने कहा हाँ तो तेरा मोड बना के तो आ जाओ, चलो बीबी से मोड खराब है, खोपड़िया खराब है अपनी, तो हम मोड बना के चलो आ भी जाएंगे। लेकिन दूसरी लाइन बोला है
कि आ जाओ कोकोनट में लस्सी मिला के। चलो किसी घर में लस्सी ना मिले, दूध ना मिले तो अद्धा पौवा लगा के आ जाए। लेकिन तीसरा लाइन से हमको बहुत बहुत नफरत है, शाहरुख खान जहां मिलेंगे हम उनको बताएंगे। मैंने कहा क्या है तीसरी लाइन? कहने लगा कि तीसरा लाइन में यह बोला है, आ जाओ सारे लुंगी उठा के। आज तक ये ससुरा नहीं बताए कि लुंगी कहाँ तक उठानी है, हम पीछे रह गए। तो भाई ऐसे ऐसे लोग भी मिलते रहते हैं हमें रास्ते में जो बहुत परेशान करते हैं। लेकिन पूरे दिन रपट लिख कर, पूरे दिन उसकी कंप्लेन इसकी कंप्लेन, पुलिस वालों का भेजा गर्म हो जाता है। भाई मेरा भी भेजा थोड़ा सा गर्म हो रहा है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा, भाई लुंगी डांस की बात हुई है तो थोड़ा सा लुंगी डांस पे थोड़ा सा मैं भी डांस कर लूं। भाई मस्ती हर किसी के लिए जरूरी है, हंसना हर किसी के लिए जरूरी। तो लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, छोड़ तू लुंगी डांस, हो जाओ भाई लुंगी डांस, लुंगी डांस, डंडा डांस, डंडा डांस, डंडा, लुंगी डांस, 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 आ जाओ सारे मूड बना के, कोकोनट में लस्सी मिला के। चोर चोर चोर, सर जी माफ कर दो, सर जी माफ कर दो, भाई चोर पकड़ लिया मैंने, सर माफ कर दो गलती हो गई। क्या नाम है तेरा? सर चिल्ली। चिल्ली? भाई यू कैसा नाम है तेरा? हैं? सर माँ बाप ने रखा नाम। नहीं माँ बाप ने तो रखा, लेकिन ये बता तू खुद भी चिल्ली और तेरा नाम भी चिल्ली। चल भाई ये बता तूने चुराया क्या है? क्या चोरी किया तेने? पेट्रोल चुराया। पेट्रोल? भाई तेने इतनी महंगी चीज चोरी करी है, पेट्रोल चोरी करी है तेने? जी। भाई कुछ और चोरी करता, पेट्रोल चोरी करी तेने है? सर जी माफ कर दो गलती हो गई। चल ये होता तूने पेट्रोल क्यों चोरी किया? सर पेट के लिए। पेट के लिए? भाई पेट्रोल पीवे है यू चोर, पेट्रोल पीवे है, पॉइजन फैलावेगा तू देश। माफ कर दे साहब जी, आगे से नहीं गलती करूंगा। सच सच बता दे आज तूने पेट्रोल क्यों चोरी किया है? सर घर चलाने के लिए पेट्रोल चोरी किया मैंने। घर चलाने के लिए? तू मैंने बेवकूफ समझे है? मैं कमजोर हूँ या का तू फायदा उठावे है? मारू डंडा? सर जी माफ कर दो। कमजोर समझ के फायदा उठावे है? कहवे है कि भाई घर चलाने के लिए ये पेट्रोल चुरा है। भाई तेरा घर कोई कार या नैनो कार है क्यों? हमें तो पेट्रोल डालेगा और तेरा घर चलने लग जाएगा। ले लपोटा, यू बता तू पैसे के लिए तो तेरे को एटीएम लूटता, बैंक लूटता, तिजोरी तोड़ता, तूने पेट्रोल क्यों चुराया है? देखो बैंक और एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड और बड़े बड़े कैमरा लगे पड़े रहते हैं, पेट्रोल में तो इजी है, पेट्रोल चुराना इजी है, पेट्रोल के दाम आजकल बहुत तेजी है, पेट्रोल के दाम में। पेट्रोल के दामों में तेजी है और तेरा हाथ पेट्रोल चुराने में बिजी है। भाई साना चोर है यू। भाई चोर से बात याद आई, भाई कल मैंने एक चोर मॉल में पकड़ा, मैंने पकड़ते ही पूछा भाई तू सच सच बता तूने इस मॉल से कितनी साड़ियां चोरी करी हैं? चोर बोला साहब जी साड़ी तो मैंने एक ही चोरी करी थी, सच कह रहे हैं। मैंने कहा सच बता नहीं तो डंडा मारूंगा खींच के, सच बता इस मॉल से कितनी साड़ियां चोरी करी तेने? कहने लगा साहब जी एक ही साड़ी चोरी करी थी, हमें माफ कर दो। मैंने कहा तू जब तक सच नहीं बोलेगा छोड़ूंगा नहीं, इस मॉल से कई साड़ियां बरामद हुई हैं चोरी में। साहब जी बात यह है कि साड़ी तो मैंने एक ही चोरी करी थी, लेकिन बीबी को पसंद नहीं आया इसलिए तीन बार बदलने आया था। चोर बड़े साड़े हो, चोर बड़े तेज होते हैं, जैसे ये चिल्ली चोर। अब एक चोर को कल मैंने पकड़ा, चावल में दाल मिला रहा था, जाते ही मैंने डंडा दिखा के पकड़ लिया। मैंने देखा, भाई आप सोचेंगे कि कैसे पकड़ा, मैंने देखा कि चावल में दाल डाल के खा रहा था। मैं बहुत चोर पकड़ता हूँ भाई कि कमजोर हूँ, और कमजोर लोग चोर ही पकड़ सके ना कि डाकू, और आज मेरे हत्ते चढ़ा हुआ है एक बहुत ही खास चोर, चोर चिंदी यानी चिल्ली चोर। चिंदी चोर तो मैंने बहुत सुने, पहली बार चिल्ली चोर सुना है। यहाँ पे जल्दी आ गया, फ्रेम में रहियो। ये बता तूने चोरी क्यों की? सच सच बताइयो। मजबूरी थी। मजबूरी? वो भी चोर की मजबूरी? चल के बता, चलिए बता के मजबूरी थी तेरी? सर जी अब क्या बताऊं आपको, बीबी की मार और गर्लफ्रेंड का प्यार और उसकी डिमांड बड़ी जान। बीबी की मार, गर्लफ्रेंड,
भाई चोर की भी गर्लफ्रेंड हो है, बीपी भी गर्लफ्रेंड भी। भाई गर्लफ्रेंड की बात किए तो मने भी रहा ना जाए। भाई सुन ले चिल्ली, मेरी भी एक बड़ी अच्छी गर्लफ्रेंड है, सुन ले। भाई उसका मेरा रिश्ता अजीबो गरीब है। भाई पूछ कैसे? कैसे भाई? वो अजीब है और भाई मैं गरीब हूँ। डंडा मार दूंगा, पहले सुन ले पूरी बात। भाई मेरी भी गर्लफ्रेंड है, उसका मेरा रिश्ता अजीब और गरीब है। वो अजीब है और भाई मैं गरीब हूँ। भाई एक बार क्या हुआ, मेरी उससे लड़ाई हो गई। भाई सीधी सी बात है, आज के टाइम पे जिसके पास भी गर्लफ्रेंड हो उसकी लड़ाई होनी है। और भाई आज के टाइम पे अगर गर्लफ्रेंड है चिल्ली सुन, तो मुसीबत तो ठोंक के है वहां के पास। भाई मैंने सोचा मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं नदी किनारे चला जाता हूँ। भाई मैं नदी किनारे गया अपनी उदासी को दूर करने। भाई पुलिस वाला हूँ, उदासी दूर करने के लिए शांति जगह जाना पड़े है। भाई जैसे ही मैं नदी किनारे गया, मैंने एक दो पत्थर मारे, एकदम से मेरी किस्मत फूट पड़ी। भाई पत्थर जाके मेढक को लग गया। चिल्ली चोर ध्यान दे रहे यहाँ पे। भाई जैसे ही मैंने पत्थर मार के उदासी दूर करी, एक मेढक निकला और बोला, टर्र तूने यहाँ पे पत्थर कैसे मारा पुलिस वाले? मैंने कहा भाई साहब, हाँ मेढक ने बोला। मैंने कहा भाई साहब बात यू है कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बड़ा परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ कि उदासी दूर करने के लिए थोड़ा पत्थर मार रहा था। मेढक बोला, आए तू एक बार नीचे आ, तेरी उदासी मैं दूर करता हूँ। मैंने कहा भाई साहब सॉरी, पुलिस वाला हूँ, सॉरी नहीं बोलती, पहली बार तेरे को सॉरी बोल रहा हूँ। भाई थोड़ा ज्यादा उदास हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से, उससे मेरी लड़ाई हो गई है। पता मेढक ने क्या कही? कहने लगा, तूने अपनी उदासी के चक्कर में पत्थर मार के मेरी गर्लफ्रेंड का सर फोड़ दिया। भाई मेरे साथ बड़ी दिक्कतें होती हैं। और भाई मेरी गर्लफ्रेंड की बात बताऊं, सुन ले बड़ी मलूक है मेरी गर्लफ्रेंड, सुन ले ध्यान से। हाइट छोटी है, बात छोटी, ऐसा है जब बगल में बैठे है तो ऐसा लगा है कि वो खड़ी है और मैं बैठा, पर बैठने पे भी खड़ा एहसास देती है वो। भाई एक बार सच्ची बताऊं मैं, चिल्ली तू यहाँ पे तूने दूरबीन क्यों ले रखी है? साहब जी वो मेरा थोड़ा दूर का नजर थोड़ा कमजोर है, तो चोरी करने में थोड़ी दिक्कत होती है ये। ओहो मॉडर्न चोर, दूर की नजर कमजोर और चल चोरी करने। माफ कर दो। चल सुन ले, गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, गर्लफ्रेंड की बातों में कभी दूसरा कोई ना सके है। भाई मेरी गर्लफ्रेंड जो है बड़ी तीखी है, जैसे तू चिल्ली वैसे वो भी चिल्ली। एक दिन मैं तैयार हुआ, कोट पैंट पहना, भाई वर्दी के बगैर भी हम कभी कभी घूमते हैं। भाई कोट पैंट पहन के मैं उसके सामने गया। मैंने कहा, बताओ जानू आज मैं कैसा लग रहा हूँ? पता उसने क्या कही? क्या कही? भाई चौंका देने वाली बात कही। क्या? वाने कही, सच्ची बताऊं? मैंने कहा हाँ हाँ जल्दी बताओ। तेरी सच्ची? मैंने कहा बोले नहीं तो डंडा मारूंगा घूंगा के। कहने लगी, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे किसी ने गोल्ड फ्लेक की डिब्बी में बीड़ी अटका दी। भाई मेरे साथ बड़ी अजीब अजीब दिक्कतें होती हैं। भाई पुलिस वालों के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम है। भाई मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई, बहुत पंगा हो गया, लेकिन भाई मैं बीबी छोड़ सकूं, गर्लफ्रेंड ना छोड़ सकूं। भाई चिल्ली तो ये बता, तेरे पास भी है कोई गर्लफ्रेंड? ना एक की तो तूने बता दी, कोई दूसरी? अरे सर एक क्या कर रहे है, क्या कर रहे है भाई? सर आपकी डंडे खा खा के मैं थक गया, थोड़ी देर बैठने दो। डंडे खा खा के थक गया भाई? अभी तो मैंने डंडा दिखाया है, मारा नहीं है। और मारा होता तो तू तो यहीं लेट जाता, फिर मैं भंस जाता है बिल्कुल। आजकल वैसे तुम्हें भी पता है भाई पुलिस कितना फंसती है, किसी भी मामले में गुनाह करे या ना करे। खड़ा हो ले, जल्दी से खड़ा हो ले, क्योंकि मेरे थकने का भी वक्त हो रहा है भाई। मैं इंसान हूं, कोई भगवान थोड़ी ना। ये बता भाई चिल्ली, डर पुलिस वाले के सामने चोर डरता है, और तू है कि डरता ही नहीं, मेरे शरीर का फायदा उठा रहे। भाई कमजोर हुआ तो क्या हुआ? भाई हूं तो ताकतवर,
इतना ताकतवर हूँ मैं किसी से भी नहीं डरता, चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए। सर जी मुझे कोई आवाज आ रही लगता है। अरे डाकू, अरे यार ऐसा मत कर, छोड़ दूंगा तेरे को बाद में, डाकू की बात मत कर। लेकिन डरता नहीं हूँ डाकू से, बस मुझे यही दिक्कत है कि उस दिन वो बंदूक लेके आ गया था और मेरे पास बंदूक नहीं थी। लेकिन भाई डाकू का नाम ला लिया, लेकिन जिगरा बड़ा मजबूत है मेरा, जिगरा मजबूत है तो डाकू के चीज है। यू के है हाथ टा। अरे गुरुजी। ओ भाई बम में है मैं भागूं के, दिखा जल्दी, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे बम में के, जल्दी दिखा। अरे ना मैं डरू ना, वो तो मैंने पानी नहीं पिया ना, तो भाई सांस के है। मुझे फोन इधर दिखा, इतना महंगा फोन भाई, इतना महंगा तो मेरी बीबी ने कई बार बोला लिया हो। भाई पुलिस वालों की सैलरी इतनी तो नहीं होती कि उतना महंगा फोन लेंगे, लेकिन तू इतना महंगा फोन कहां से लाया बता, नहीं तो फोन में रख लूंगा, बता जल्दी। लॉटरी लगी है चोर की, चने खाने को पैसे नहीं है, लॉटरी खेलता है तू है, चने खाने को पैसे नहीं है लॉटरी खेल रहा है। कहां से निकली तेरी लॉटरी, सच सच बताओ कहां से निकली तेरी लॉटरी? मक्खन सिंह तेरे को छोड़ेगा नहीं, इतना महंगा फोन। लॉटरी खेले है? वैसे लॉटरी कहां खेली तेने? बता। की निकली थी, लेके भाग गया। चोरी की लॉटरी से मोबाइल? अरे तू तो बड़ा कमीना है, बहुत चिल्ली चोर, बड़ा मजबूत है तू है, इतना महंगा फोन ये बता कितने का बेचेगा? मामला लफड़ा पकड़ती है, 2500 लेगा मेरे से, 250 रुपए तो मुझे आज पूरे दिन में मिले नहीं है। एक भी हेलमेट वाला नहीं आया ऐसा जो बगैर हेलमेट के आया हो, एक भी रुपया नहीं बने मेरे आज। एक को पकड़ा भी पकड़ा तो उसके जेब में सिर्फ 5 रुपए निकले। अब मैं क्या करूं, मैं छोड़ने वाला थोड़ी ना था, मैंने रख लिए 5 रुपए। भाई रात को घर पे बच्चे के लिए टॉफी जो ले जानी है, लेकिन इतना महंगा फोन है। इधर आ तू। भाई ये बता, तूने इतना महंगा मोबाइल तो चोरी किया, लेकिन ये लॉटरी तूने चोरी किसका किया? कोई जरूर बहुत अमीर आदमी होगा। सब जी बता ना मत। हाँ नहीं बताऊंगा, बता। मैंने अपनी बीवी की चोरी। बीवी? तू तो बड़ा तेज चोर है, मैं रख लूं इसे। अब बीबी की बात आई तो मैं रख लूं इसे। हाँ रखूं के, जेब भी नहीं है मेरी वर्दी में तो। भाई एक बार की बात है सुन, मेरी बीबी ने मेरे से सवाल किया कि जानू तुम मुझे सपने में देखते हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देखता सपने में। दोबारा पूछा, चिल्ली सुन ले, कि तुम मुझे सपने में देखते हो क्या? मैंने कहा ना मैं नहीं देखता। कहने लगी क्यों? मैंने कहा हनुमान चालीसा पढ़ के जो सोता हूँ मैं। आगे तेरी है हंसे है, इतना महंगा मोबाइल लेके। एक बात बता रहा था घोड़े की, कौन सी बात बता रहा था घोड़े की मेरे को? सब मुझे तभी भी आवाज आ रही थी, अभी भी टुकुर की आवाज आ रही है। डाकू का नाम मत ले, मुझे बहुत डर लगता है। आप तो बोले थे आपको डाकू से डर नहीं लगता, आपका तो दिल कितना कमजोर है। डाकू से सबको डर लगता है, लेकिन भाई जो मेरा दिल है ना वो बहुत मजबूत है, मैं नहीं डरता। दिल इतना मजबूत है आप पूछ मत, तो वो लगे ना कि मेरा दिल कमजोर है मजबूत है। बता जल्दी से सब। आ गया तू, बता मैं कमजोर दिखूं? नहीं, मेरा दिल कमजोर दिखे? नहीं। भाई तूने आज तक ये तो देखा होगा कि भाई लोग कहें बेटा मेरा दिल थोड़ा कमजोर है। भाई मेरा दिल कमजोर नहीं है, मेरा शरीर कमजोर है। भाई दिल अगर कमजोर होता चिल्ली, तो ये बता क्या मैं इतने कमजोर शरीर को ढो पाता? नहीं ना। बोल मक्खन सिंह की जय हो। मक्खन सिंह की जय हो।
झंडे गाड़ के। झंडे गाड़ के भाई, जब मैं भर्ती होने गया पुलिस में, एक अजीब खिस्सा हो गया। क्या हो गया भाई? एक अंधा भी आ गया भर्ती होने के लिए पुलिस में। अंधा भी? हाँ, और आते आते कहता है कि मुझे पुलिस में भर्ती कर लो। वो क्यों? अब साहब ने कहा, भाई तुम्हें पुलिस में भर्ती करके क्या फायदा होगा? अंधे ने क्या कहा? अंधे ने कहा, सर अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए। ऐसे जो लोग होते हैं भाई, चिल्ली भाई, जाते जाते कम से कम मैं तो छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन भाई थोड़ा सा मनोरंजन तो कर दे। क्या? थोड़ा सी मस्ती तो दिखा दे। तुझे डांस वांस आता है नहीं आता है? थोड़ा बहुत। थोड़ा और बहुत भी? चल तू आज थोड़ा सा दिखा दे, बहुत तो हम बाद में देखेंगे। कर आप भी आना चाहते हैं? भाई मेरी पैर में चोट लगी थी, मैंने पहले डांस किया, कमजोर शरीर के कारण मुड़ गया भाई पैर, मेरे से डांस नहीं होगा, लेकिन तू कहता है तो हो जाए। हो जाए तो कौन से सॉन्ग पे करेगा भाई डांस? ये कौन सा सॉन्ग है भाई? कौन सा सॉन्ग है यू? भाई तू चल, ऐसा कर, तू डांस कर, मैं तेरे को देख के कॉपी करूंगा। कर डांस कोई भी कर। हाँ, कौन सा गाना है ये तो बता दे कम से कम, उसी हिसाब से स्टेप लेना पड़ेगा ना। लुंगी डांस। ओ लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। थोड़ा कर भाई, तू करता रहे, तू कर लुंगी डांस। हाँ लुंगी डांस, लुंगी डांस, हाँ वेरी गुड। होंठों को थोड़ा अजीब सा बना के, ढोपड़े को थोड़ा मोटा फूला के, हंसते रहो भाई, हाँ हंसते रहो, हंस के दिखा भाई सबको, हंस के दिखा, बोल कि हम जल्दी मिलेंगे, हम जल्दी मिलेंगे, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, और देखता रहेगा हंसी ठिठोली, देखता रहेगा हंसी ठिठोली, और हंसते रहिए और डांस करते रहिए।